पीओ इन 15 से 25 दिन फसल विन विन, ये मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन अब नहीं बोलूंगा। मतलब वो लोग बोलेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया है इन सीपीओ इन 15 से 25 दिन फसल विन विन। रोपाई के बाद 15 से 20 दिन के अंदर पहला स्प्रे, इसका लंबे समय तक खुरकिरे पे नियंत्रण रहता है। एनसीपीओ स्प्रे करने के बाद में बारिश आ गई, अगर टेम्परेचर हाई भी हो गया तो ये उड़के नहीं जाएगी। मार्केट से मैं अन्य प्रकार की दवाई लाके इस्तेमाल करा लेकिन मैं एनसीपीओ जैसी दवा आज तक के नहीं देखी। रोपाई के 15 से 20 दिन के बीच में पहला छिड़काव। एनसीपीओ इस्तेमाल करने से तना छेदक पर लंबे समय तक उसका असर रहता है और एनसीपीओ डालने से जड़ें मजबूत रहती हैं और हरापन रहता है और बालियां अच्छे से निकलती है। पहला छिड़काव करो इन्हें 15 से 20 दिन में। अभी तक एक खेत में मोला तना छेदक के थोड़ा सा भी प्रकोप दिखाई नहीं दे। एनसीपीओ के छिड़काव करने से मैं अभी खेत में जाके देखता हूं सब तरफ के धान के धान के ग्रोथ अभी काफी अच्छा है, धान के ऊंचाई भी अच्छा है, जड़ उखाड़ के देखे जड़ फैला थे और कंसा भी अच्छा दे धान है। और एकर से एक और फायदा हुई से कि मोर जो धान में जो एक तो कीट रहते वो मन भी दूर हो गए, साथ में जो हम जड़ ला बना के रखते अच्छा से जो रहते वो मन है वो साफ सुथरा है, धान बराबर हरियाली है, धान के उत्पादन लगते कि मुला साल थोड़ा ज्यादा हुई और धान बराबर समानांतर मोला लगत थे खेत में। इनसीपीओ है बाकी कीटनाशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार। याद रखिए इनसीपीओ इन 15 से 25 दिन फसल होगी विन विन।